नमस्ते, मैं डॉक्टर पद्मजा शर्मा जोधपुर से। मैं अनेक विधाओं में रचना कार्य करती हूँ, जैसे शब्द चित्र भी लिखती हूँ, कविताएं तो खैर लिखती हूँ। 8 मेरे कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और शब्द चित्रों के साथ, कविता के साथ मैं लघु कथा, कहानियाँ आदि भी लिखती हूँ। लेकिन मैंने ये महसूस किया और देखा कि जो कविता मैं लिखती हूँ उसमें अधिकांश, जो अधिकतर मेरी कविताओं में जगह होती है, वो महिलाएं घेर लेती हैं। मैं स्त्रियों पर केंद्रित ज्यादा कविताएं लिखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि स्त्री दुनिया की आधी आबादी है, लेकिन उसको उसका पूरा हक अभी तक मिला नहीं है। तो अगर मेरी मेरे हाथ में कलम है और मैं एक स्त्री हूं, तो मैं ये जिम्मेदारी महसूस करती हूँ कि उनकी स्थिति पर मैं लिखूं। क्योंकि आप और हम देखते हैं कि हर दिन जब हम अखबार पढ़ते हैं या टीवी का बटन ऑन करते हैं, तो हम देखते हैं कि स्त्रियों पर तरह तरह के अत्याचारों से खबरें आती रहती हैं। कहीं उनको भट्टी में, जलती हुई भट्टी में झोंक दिया गया है, कहीं तंदूर के हवाले कर दिया गया है, कहीं तेजाब से उनका चेहरा जलाया गया है, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं गैंगरेप हो रहे हैं। तो कहीं भी ऐसा लगता है कि स्त्रियां 4 कदम आगे बढ़ती हैं और 2 कदम पीछे हटा दी जाती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो उनके साथ ये जो दुर्व्यवहार होता है, ये जो भेदभाव होता है, ये लैंगिक भेदभाव है, इसके विरुद्ध हम लोगों को बोलना चाहिए, अगर हम बोल सकते हैं तो मैं बोलती हूँ। इसलिए ज्यादातर ये स्त्रियां मेरी कविताओं में जगह घेर लेती हैं। 1933 में मुझे मैंने महादेव वर्मा का एक आलेख पढ़ा था, जो 1933 में उन्होंने लिखा था। उसकी जो बात है वो मुझे आज भी प्रासंगिक लगती है। महादेवी जी कहती है कि हमें ना तो किसी पर जय चाहिए, ना किसी पर पराजय चाहिए, ना हमें किसी पर प्रभुता चाहिए, ना हमें किसी पर प्रभुत्व चाहिए। हमें तो अपनी पहचान चाहिए, अपना स्वत्व चाहिए, जिसका पुरुष के निकट कोई महत्व नहीं। लेकिन अगर हमें वो नहीं मिला तो समाज में हम उपयोगिता अपनी साबित नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि आज भी स्त्री के लिए मुझे बोलना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है। इसलिए मैं स्त्रियों पर ज्यादा लिखती हूँ और आज मैं ऐसी कविताएं, ज्यादातर ऐसी कविताएं आपके सामने रखूंगी जो स्त्री केंद्रित ही हैं। पहली जो कविताएं हैं मेरी, एक मैंने एक मीरा शीर्षक से कई सारी छोटी छोटी कविताएं लिखी थी। तो मीरा शीर्षक से कई सारी छोटी छोटी कविताओं से मैं अपनी कविता पाठ की शुरुआत करती हूँ। प्रेम बांधा कोई बंधन तो गया प्रेम, बांधा कोई बंधन तो गया प्रेम, जो खोला बंधन तो समझो हो गया प्रेम, जो खोला बंधन तो समझो हो गया प्रेम। अनंत अनंत मेरी उड़ान, अनंत मेरा आसमान, अनंत मेरी उड़ान, अनंत मेरा आसमान, अनंत मेरी इच्छा, मैं रहूं ना रहूं पर मेरा प्रेम रहे अनंत काल तक जिंदा, मेरा प्रेम रहे अनंत काल तक जिंदा। शीर्षक है फिर कहो, पहले सहो फिर कहो प्रेम, पहले बिखरो फिर सिमटो, टूटो फिर जुड़ो और फिर कहो प्रेम। आंसू पोंछो फिर रो और फिर हंसते हुए कहो प्रेम, तब समझो कि हाँ अब हो ही गया है प्रेम, तब समझो कि हाँ अब हो ही गया है प्रेम। पर सबसे पहले औचक अगर लगे, पर सबसे पहले औचक अगर लगे कि हो गया प्रेम, तो हो तो गया पर निभेगा नहीं प्रेम, हो तो गया पर निभेगा नहीं प्रेम। कविता का शीर्षक है मीरा। हर औरत को कभी ना कभी लगता है वह मीरा है, महादेवी है, पर हर औरत सदा बनी नहीं रह सकती मीरा या महादेवी। वह तो वही बन सकती है जो औरत होकर भी खुद को औरत से पहले मनुष्य माने, पर इतनी हिम्मत किसमें होती है। लेकिन जिसमें होती है वह मीरा महादेवी होती है, मीरा महादेवी होती है। दीवानी मैं प्यार में दीवानी थी, मेरे पास सिवाय प्यार के होकर भी क्या था, मेरे लिए प्यार सब कुछ था। इस प्यार ने मुझे किया आजाद, परंपराओं, रीति रिवाजों और बंधनों से मैं हो गई मुक्त, हर बंधन से।
मैं हो गई मुक्त हर बंधन से, इस जन्म में ही नहीं सदा सदा के लिए। और जो मुक्ति मैंने पाई वही होती है मनुष्य की असली मुक्ति। जो मुक्ति मैंने पाई वही होती है मनुष्य की असली मुक्ति, पर वह बिरला ही पाता है। यहाँ मुक्त होने के लिए मरना पड़ता है, यहाँ मुक्त होने के लिए मरना पड़ता है। पर मैं तो कभी जन्मी ही नहीं, तो क्या मरती। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी प्यार में। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी प्यार में। मुक्त, मैं अब मुक्त हूँ जैसे अपने उद्गम से कोई नदी। मैं अब मुक्त हूँ जैसे अपने उद्गम से कोई नदी, शाख से कोई पत्ती, जैसे शाम ढले हो जाती है मुक्त फूल से पंखुड़ी। हाँ, मैं अब मुक्त हूँ। कहाँ मेरी चाहत, मेरी उड़ान, मेरा आकाश, सब तुम हो। मेरी चाहत, मेरी उड़ान, मेरा आकाश, सब तुम हो। पर तुम कहाँ हो, पर तुम कहाँ हो। शीर्षक है बन जाऊंगी मीरा। ये तो कैसे कह दूं कि मैंने चाहा नहीं प्रेम, और अभी मैंने किया नहीं प्रेम। ये तो कैसे कह दूं कि मैंने चाहा नहीं प्रेम, पर अभी मैंने किया नहीं प्रेम, अभी मैंने जिया नहीं प्रेम। असल में उस तरह से हुआ नहीं प्रेम जिस तरह से हुआ करता है प्रेम। असल में उस तरह से हुआ नहीं जिस तरह से हुआ करता है प्रेम। होगा तो बता दूंगी प्रेम, होगा तो बता दूंगी प्रेम। अभी जीने के लिए लड़ रही हूँ, कलम के लिए अड़ रही हूँ। बाहर भीतर मच रहा है कोहराम, पर एक दिन मुक्ति मिलेगी जरूर, पर एक दिन मुक्ति मिलेगी जरूर। और जब मुक्त हो जाऊंगी करूंगी प्रेम, कहूंगी प्रेम, लिखूंगी प्रेम, गाऊंगी प्रेम। जैसे पाया मीरा ने प्रेम, एक दिन मैं भी पाऊंगी प्रेम। जैसे पाया मीरा ने प्रेम, एक दिन मैं भी पाऊंगी प्रेम। एक दिन मैं भी बन जाऊंगी मीरा, जब हो जाएगा मुझको प्रेम, जब हो जाएगा मुझको प्रेम। अगली मेरी मीरा शीर्षक के अलावा जो दूसरी कविताएं, उनमें से एक कविता है अप्सरा। अप्सराएं स्वर्ग में होती हैं, धरती पर तो औरतें होती हैं। औरतें काम से थकती हैं, चिड़चिड़ाती भी हैं, पसीने से नहाती हैं, हंसती हंसाती भी हैं, रोती रुलाती भी हैं। वे कभी खुश होती हैं तो कभी उदास भी होती हैं। कभी डरी सहमी चुप चुप, कभी बिंदास होती हैं। क्योंकि वे मशीन नहीं इंसान होती हैं। धरती पर तो औरतें होती हैं, अप्सराएं तो स्वर्ग में होती हैं। चीज नहीं कि खरीदो भोगो और फेंक दो, औरतें मानवी हैं। इन्हें प्यार करो जैसे करते हो खुद को, और भोग ना हो तो पहले मरो और फिर स्वर्ग में जाओ। भोग ना हो तो पहले मरो फिर स्वर्ग में जाओ, वहां अप्सराएं होती हैं। धरती पर तो औरतें होती हैं और औरतें इंसान होती हैं। अप्सराएं स्वर्ग में होती हैं, धरती पर तो औरतें होती हैं। अगली कविता है जिसका शीर्षक है सिर भी। ये पति पत्नी का संवाद है। पेन है देना, है देना जी, ये हल्का चल रहा है। दूसरा है देना जी, ये जी क्या लगा रखी है, क्या हुआ, बोलती क्यों नहीं ठीक से। पेन दे दिया ना, पर बोल क्यों नहीं रही, लिख रही थी। लेखन मुझसे ज्यादा जरूरी है, मैंने कब कहा। कहती ही तो नहीं हो, फिर भी तुम कितना कुछ सुन लेते हो और सुनाते रहते हो। तुम्हें तो सुनना ही पड़ेगा, क्यों, तुम औरत हो तो। सवाल मत करो, क्यों, नहीं मुझसे नहीं तो किससे, जिसने पैदा किया तुम्हें। अब तुम नहीं बचोगी, क्या करोगे। सिर धड़ से अलग कर दूंगा, किसका, तुम्हारा। तुम तो यही चाहते हो, होता भी आया है, पर अब तुम्हारे चाहने मात्र से कुछ नहीं हो सकता, पर अब तुम्हारे चाहने मात्र से कुछ नहीं हो सकता। सुनो, तुम्हें धड़ चाहिए तो सोच लो, साथ रहेगा सिर भी, सोच लो साथ रहेगा सिर भी। अगली कविता है नसैनी सीढ़ी।
जो किसी को नसैनी बनाकर ऊपर चढ़ रहे हैं, कह रहे हैं तुम कमजोर हो, कब से खड़ी हो, हट जाओ रास्ते से। कह रहे हैं तुम कमजोर हो, कब से खड़ी हो, हट जाओ रास्ते से। वे नहीं जानते दोस्तों कि नसैनी का हटना उनका गिरना है। वे नहीं जानते दोस्तों कि नसैनी का हटना उनका गिरना है। मैं फिर भी खड़ी रहूंगी। कविता का शीर्षक है अब मैं। वो मुझे पंख देता है पर उड़ने को होती हूं तो कदर देता है। वो मुझे जबान देता है पर बोलने को होती हूं तो काट देता है। वो मुझे पांव देता है पर चलने को होती हूं तो रोक देता है। ऐसा ही होता है जब आपके निर्णय कोई और लेता है। मैंने तय कर लिया है दूसरे के पंखों से नहीं अपने पंखों से उड़ान भरूंगी। अपने पांव से आगे बढ़ूंगी और अपनी जबान से अपनी बात आप कहूंगी। क्या हुआ धीरे धीरे रुक रुक के कहूंगी। मैंने कही है, शीर्षक है कविता का ये, वो मन नहीं देता मैं तन नहीं देती। वो देगा मन तो मन के साथ दूंगी उसको तन। अब तक लगता था उसे ना कहना सही नहीं। पर ये भी सच है कि हमेशा हाँ कह के मैं जीकर भी सचमुच जी नहीं। अब बड़ी पसोपेश के बाद जो मैंने तुमसे कहा ना, तो लगा हाँ की तरह कभी कभी ना भी सही है। और ये बात इसलिए सही है कि आगा पीछा सब सोच समझ कर मैंने कही है। वो मन नहीं देता मैं तन नहीं देती। वो देगा मन तो मैं मन के साथ दूंगी तन। एक छोटी सी कविता है, शीर्षक है काश। चिड़ा कई दिन से चिड़िया को मार रहा था। रोज रोज की मार और चिक चिक से परेशान चिड़िया एक दिन उड़ी फिर लौट कर नहीं आई। काश मैं भी चिड़िया होती। अगली कविता का शीर्षक है अच्छी बहू। अच्छी बहू सिर पर पल्लू रखती है, आंखें और गर्दन थोड़ी झुकाए रखती है। पांव में पाजेब बिछुए, हाथों में चूड़ियां, मांग में हर दिन सिंदूर भरती है। ननद के ताने और सास की ज्यादती सहती है। जेठ के ऊटपटांग बोलने पर भी चुप रहती है। अपने पर लगे इल्जाम के लिए प्रश्न नहीं करती है अच्छी बहू। सबको उससे रहती है शिकायतें, पर सबकी उसी से पटती है और घर में सबसे ज्यादा वही खटती है। सबका कहा करती है, आंखों में आंसू भरती है और प्यासी रहती है। मन खाली रहता है फिर भी पेट भरती है अच्छी बहू। बेटी भले एक बिना जने बेटे दो जनती है। सांस ढले पति का प्यार पाने के लिए सजती संवरती है। सबके सोने के बाद सोती है, वह मुंह अंधेरे उठती और काम में जुटती है। उसकी परवाह कोई नहीं करता, पर थकी होने पर भी सबकी परवाह करती है अच्छी बहू। कोई नहीं जानता कि इस दरमियान वह कितनी बार मरती है। कितनी बार रोती है और कैसी कैसी पीड़ाओं में भी किस किस तरह से हंसती है अच्छी बहू। अच्छी बहू सिर पर पल्लू रखती है, आंखें और गर्दन थोड़ी झुकाए रखती है अच्छी बहू। अगली मेरी कविता है आ रही हैं लड़कियां। आजकल लड़कियां न कल में जीती हैं न आज में, वे जीती हैं अब में। हंसती हैं खिलखिलाती हैं लड़की लड़के में भेदभाव किए बिना दोस्त बनाती हैं लड़कियां।
अपने अपने किस्से कहानियां खुलकर फेसबुक पर बतलाती हैं लड़कियां। मन किया तो उठकर चल देती हैं अचानक ही किसी कैफे, रेस्तरां, सिनेमा हॉल में या फिर किसी दोस्त के घर हुड़दंग मचाने लड़कियां। डराते तो बहुत हैं, पर अंधेरी अनजान जगहों, दूरियों और धमकियों से हमारी तरह कहां डरती हैं हमारी लड़कियां। उठाया बैग और हफ्ते 10 दिन के लिए किसी पर्वतीय प्रदेश में घूमने भी निकल जाती हैं बेधड़क लड़कियां। वे जान गई हैं ये सच कि किसी ने नहीं देखा कल। वे जान गई हैं ये सच कि किसी ने नहीं देखा कल। अब तक उनके साथ होता आया लोग लाज, संस्कृति, परंपरा के नाम पर घिनौना छल। वे जान गई हैं कि ये जो जिंदगी मिली है ना, यही है सच। वे जान गई हैं कि ये जो जिंदगी मिली है ना, यही है सच। किसने देखा है कल? इसलिए आजकल लड़कियां जी रही हैं हर पल। इसलिए आजकल लड़कियां जी रही हैं हर पल। इधर मारी जा रही हैं लड़कियां और उधर विपरीत हवाओं से लड़ते हुए मुस्तैदी से आगे कदम बढ़ाए जा रही हैं लड़कियां। दुनिया वालों स्वागत करो कि अब आ रही हैं लड़कियां, कि अब आ रही हैं लड़कियां। एक कविता इन कविताओं से थोड़ी हटकर है, शीर्षक है तिनका। मैं समय की आंख में गिरा छोटा सा तिनका, समंदर का खतरा न आंधियों का डर, जमीन से आसमान, समंदर से बादल, आंख से आंसू तक सब जगह मेरा घर। मैं समय की आंख में गिरा छोटा सा तिनका। मैं डराता नहीं किसी को, पर बसा रहता है हर आंख में मेरा डर। मैं हूं छोटा, पर बड़े हैं मेरे पर। कहते हैं लोग कि मैं जब चाहूं तब राजा हो या रंग, सबके कतर देता हूं पर। सब कहते हैं कि मैं राजा हो या रंग, सबके कतर देता हूं पर। मैं समय की आंख में गिरा छोटा सा तिनका। अगली कविता है पहचान। वे खुश हुए जब मैं पैदा होते ही रोई, मैं रोई सब जान गए कि मैं जीवित हूँ। मैं रोई सब जान गए कि मैं जीवित हूँ। मैं बड़ी हुई रोई, वे अब भी खुश हैं। मैं बड़ी हुई रोई, वे अब भी खुश हैं। देखकर मेरी आंखों में आंसू और सुनकर मेरा रोना, क्योंकि मेरा रोना मेरे जीवित होने की पहचान है उनके लिए। क्योंकि मेरा रोना मेरे जीवित होने की पहचान है उनके लिए। एक कविता का शीर्षक है हारूंगी तो नहीं। ये जो कविताएं मैं आज आपको सुना रही हूँ, अधिकतर मेरी इसी कविता संग्रह से ली गई हैं, जिसका शीर्षक है हारूंगी तो नहीं। तो इसकी एक छोटी सी कविता है, ये आपके सामने अब रख रही हूँ। मेरी जीत हो न हो अब हारूंगी तो नहीं, मेरी जीत हो न हो अब हारूंगी तो नहीं। अब तक मारा खुद को सीधी भोली विनम्र कहलाने को, पर अब मरूंगी तो नहीं, पर अब मरूंगी तो नहीं। और ये भी तय समझें, भले हरा न पाऊं पर हारूंगी तो नहीं, भले हरा न पाऊं पर हारूंगी तो नहीं। मैं बोलूंगी, अचरज है मेरी जीभ, कटने से बचने की कला जानती थी तो अब तक चली क्यों नहीं। जब और कहते रहे अपनी बातें आप, मैं सुनती रही चुपचाप। अपनी बातें मैं खुद क्यों न कह सकी, क्यों न सुना सकी उन्हें जिनकी मैं सुनती आई थी। बोलने को जितना मेरे पास था और है, उतना किसी के पास क्या होगा। सदियों से सह रही हूँ, सुन रही हूँ, फिर भी चट्टान की तरह चुप हूँ। मगर अब बोलूंगी, मेरे मुंह में जबान है, मैं बोल सकती हूँ, ये मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ। मुझे पता भी है कि मुझे बोलना क्या है, मुझे पता भी है कि मुझे बोलना क्या है। खुद पर भरोसा होने नहीं दिया, मगर अब आत्मविश्वास से लबरेज निडर हूँ, अपने पांवों पर खड़ी हूँ। अब डर से क्या डरना, उसका सामना करना है। डरूंगी तो डराएगा डर, इसका डर, उसका डर, आंखों का डर, बातों का डर, घर का डर, बाहर का डर, परायों का डर, अपनों का डर, दुनिया जहान का डर, और तो और अपने शरीर का भी डर, दूसरे शरीर का भी डर, डर डर डर। सुनकर इसे हो गई हूं अब मैं निडर। अब तन कर चलूंगी तो निकल जाएगा सारा डर,
मैं नहीं हूँ सिर्फ शरीर भर। पंक्तियां आपको सुना के मैं अपनी बात को विराम देती हूँ, आपसे विदा लेती हूँ। उसके बाद शीर्षक है इंसान। उन्होंने हजारों किताबें पढ़ डाली वो ज्ञानी कहलाए। ठीक से एक इंसान को पढ़ लेते तो इंसान कहलाते। धन्यवाद।